1951 में बजरंग दल ने शिवमोगा कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा हत्याकांड को लेकर देवबन के वीआईपी गेस्ट हाउस में ब्रह्मानंद सरस्वती चौक होती हुई एसटीएम कोर्ट तक प्रदर्शन किया। इससे पूर्व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मानंद सरस्वती चौक पर जिहादियों का पुतला फूका और दोषियों को फांसी के नारे लगाए। इसके उपरांत उन्होंने बजरंग दल मेरठ प्रांत उत्तर प्रदेश के लेटर के द्वारा देवबंद उप जिलाधिकारी दीपक कुमार के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को भेजा ज्ञापन में हर्षा हत्याकांड की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जाए, दोषियों को फांसी, हर्षा के परिजनों को 1 करोड़ रुपए व 1 सदस्य को सरकारी नौकरी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पदाधिकारियों को जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जिहादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर अमित त्यागी, सम्राट राणा, हरीश शर्मा, ऋतिक धीमान, विवेक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट अंकित जैन। हर्षा के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हर्षा के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हर्षा के सम्मान में बजरंग दल मैदान में जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, भारत माता की जय। गया है, ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? ये हमने माननीय गृह मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, जो कर्नाटक में भाई हर्षा की मृत्यु कर दी गई कुछ जिहादियों के द्वारा, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि हर्षा के परिवार को आर्थिक सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाए और जितने भी संवेदनशील क्षेत्र पे बजरंग दल हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित करी जाए। के बारे में बताइए, जो कर्नाटक में बजरंग दल के हर्षा को मौत हुई है उसके बारे में बताइए। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या जिहादियों के द्वारा की गई है। इस जिहाद की शुरुआत सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह हुई थी। पूरी दुनिया का ये इस्लामीकरण करना चाहते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर देश भर के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को लेकर देश भर के अंदर कार्यकर्ताओं में रोष है। जगह जगह सड़कों पर जिहादियों के, आतंकवादियों के इस्लामिक करण करना चाहते हैं, जो देश का उनका पुतला फूंका जा रहा है। ज्ञापन केंद्र सरकार को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं। मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं, उन जिहादियों को जो एक कार्यकर्ता की हत्या करके और देश के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं, ऐसे हजारों और लाखों कार्यकर्ता माँ भारती के लिए, हिंदुत्व के लिए अपना शीश कटाने के लिए और वह तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन आप कुछ भी हिंदुत्व का और इस हिंदू समाज का आप बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि सन 712 से ये हिंदू समाज और आपके अत्याचारों और आपके आक्रमणों को झेलता आया है। हम लोग भी अपनी सीने पर गोली खाकर अपना शीश कटाकर इस भारत माता की रक्षा के लिए और तत्पर हैं। इसीलिए उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखी, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे? हिजाब का हिसाब देना पड़ेगा। ये देश किसी कुरान के आधार पर नहीं चलता, ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। जब कोर्ट ने ये कहा कि हिजाब और स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बैन कर दिया गया है, तो क्यों कानून तोड़ रहे हैं? क्यों अपनी शरीयत के आधार पर, क्यों ये अपनी कुरान के आधार पर और इस संविधान का उल्लंघन करते हुए उस देश को चलाना चाहते हैं? हिजाब पूरे देश के अंदर बैन होना चाहिए और ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता, जो एक कार्यकर्ता हमारा शहीद हुआ है, जो बलिदान हुआ है, हजारों लाखों कार्यकर्ता और शहीद होने के लिए तैयार है माँ भारती के लिए और हिंदुत्व के लिए। आओ सामने से आओ, क्यों चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर रहे हैं? हम लोग भी तैयार बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि कहाँ से फंडिंग हुई है, कहाँ से वो सारा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। केवल 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, केवल वही लोग दोषी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश और ये जुड़ी हुई है, जो चुन चुन के हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को, बजरंग के कार्यकर्ताओं को और निशाना बनाया जा रहा है।